नमस्कार, मैं ओम नारायण युवा तक भारत से जनपद उन्नाव के ब्लॉक हिलौली के ग्राम पंचायत बाहवा में रहता हूं। मैं रूबरू होऊंगा नव निर्वाचित प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है अब्दुल कादिर। आप जनता के बीच में इस चुनावी जंग में किस प्रकार पहुंचे? देखो, हमारी तो हम तो यहाँ रहते नहीं थे, रहते थे बाहर में, ठीक है। बस लोगों ने जागरूक किया, मुझे फोन पे फोन किया, कादिर भाई आप आइए यहाँ पे इलेक्शन लड़िए। चाह थी अंदर में, लोगों के बीच में चाह हमारी बहुत थी, तो कि मैं आया यहाँ लोगों के बीच में आया, लोगों ने मुझे बहुत जागरूक किया। ये सौभाग्य दिया है कि हम इलेक्शन लड़े हैं, और इलेक्शन के एक हफ्ता पहले जो लोगों ने जो है हमें इतना जागरूक कर दिया हर चीज में कि इलेक्शन हम जीत ही जाएंगे, बिल्कुल ओपन कर दिया एक तरीके से देखा जाए। और सबसे पहले मैं जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जनता जो है हमको मौका दिया और मुझे विजय प्राप्त करवाई, मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ, मैं 5 साल लोग जनता के बीच में रह के जनता का सेवा करूँगी। आप अपनी जनता को विकास के कार्यों में किस प्रकार से मदद करेंगे? हमारी कोशिश तो यही रहेगी, मैं 5 साल हर व्यक्ति को जो है कोई ना कोई परेशानी ना होने दूँ, हर तरीके से उनका मैं साथ दूँ। आवास विकास कॉलोनी है, लैट्रीन है, नरेगा है, पेंसिल है, राशन कार्ड, जो भी सुविधाएं हमारी तरफ से होती है कानून व्यवस्था की तरफ से, हर सुविधाएं मैं कोशिश करूंगा उनको प्राप्त करूँ। इस COVID-19 महामारी के विषय में अपने ग्राम पंचायत में सैनिटाइजिंग कार्य के विषय में बताएं। सैनिटाइजर मैं एक बार करवा चुका हूँ सफाई कर्मी के माध्यम से जी। अभी 2 दिन पहले मैं बाबा खेड़ा कर ग्राम में सब लगता है, मेरा ये लगता है वो, उसमें भी 22 लोगों को मैंने टीकाकरण भी करवाया हूँ। और आगे चल के फिर 2-4-5 दिन में हमारे यहाँ ग्राम सभा बाबा है स्कूल में, यहाँ कैंप लगने वाला है, यहाँ भी टीकाकरण कराऊंगा, लोगों को जागरूक कराऊंगा कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं। धन्यवाद। मैं ओम नारायण युवा तक भारत से सहयोगी विनीत अवस्थी।